नमस्कार, मैं प्रतीक तिवारी आर वर्ल्ड न्यूज से आपका स्वागत करता हूं। आज भाजपा पार्टी के कट्टर समर्थक और सहयोगी जिन्होंने कड़ी धूप में पसीना बहाकर पार्टी का उत्थान किया, जिन्होंने अपना सर्वस्व निछावर पार्टी के प्रति कर दिया, जब ऐसे कर्मठ और जुझारू व्यक्ति को पार्टी का सहयोग नहीं मिलता तब कहीं ना कहीं एक प्रश्न उठता है कि आखिर मैंने गलत क्या किया। इसी प्रश्न के साथ हम चलते हैं आलोक अग्निहोत्री जी के पास और जानते हैं कि आपकी पार्टी ने आपको ही टिकट ना देकर आपको आघात पहुंचाया है या फिर आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सीधे सुनते हैं आलोक अग्निहोत्री जी के मन की बात। रखी है उसका सबसे पहले मूल उद्देश्य जानना चाहिए। मूल उद्देश्य पार्टी द्वारा जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जिला पंचायत सदस्य पद के लिए घोषित किए गए हैं उसमें मैं भी एक आवेदक था। मैंने भारतीय जनता पार्टी में आवेदन दिया था। भारतीय जनता पार्टी ने मेरी 25 वर्षों की मेहनत को देखने के बाद भी लगातार सत्ता आने के बाद जो आयतित लोग हैं उनको वरीयता दी और मुझे तीनों बार हतोत्साहित किया। कल की घटना से मेरे हृदय में बहुत आघात लगा। मैं बहुत परेशान हूँ, कल से मेरा पूरा परिवार परेशान है। पार्टी ने तीन बार मेरे साथ धोखा किया, इसलिए मैंने अपने सभी समर्थक बुलाए थे और उनसे राय ली थी मुझे क्या करना चाहिए। अब ये लोग विचार करके कल मुझे बताएंगे और उसके बाद मैं परसों अपनी अगली घोषणा करूंगा। क्या तो अभी सीधे हम अभी ये नहीं कह सकते कि आपने भाजपा पार्टी को छोड़ दिया है? नहीं, अभी मैंने इस्तीफा नहीं दिया। इस्तीफा दूंगा तो मैं पत्र के साथ दूंगा, समाचार पत्रों में अपना वो लेटर पैड पर अपना बाकायदा दूंगा परसों। मुझे विश्वसनीय सूत्रों पता चला है कि भाजपा जैसी पार्टी से आपने मुंह मोड़ने का प्रयास तो किया था लेकिन अभी कहीं ना कहीं आपने उसमें रुकावट कर रखी है, उसका कारण क्या रहा है? कोई कारण नहीं, अभी कल तक नामांकन होना है। जब रामनारायण जी भाई साहब का टिकट अंतिम दिन हो सकता है तो हम भी अभी कल तक तो विचार करेंगे, उसके बाद निर्णय करेंगे। आपकी गिनती भाजपा पार्टी के दिग्गज नेताओं में होती है और ऐसा होना स्वाभाविक भी है क्योंकि आपने भाजपा पार्टी के उत्थान के लिए दिन रात पसीना भी बहाया और आज जब भाजपा पार्टी को अपना धर्म निभाना चाहिए कहीं ना कहीं आपको यह नहीं लगता कि भाजपा पार्टी अपने कर्तव्य से विमुख हो रही है? नहीं लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है पार्टी गलत कर रही है। पार्टी पुराने मूल कार्यकर्ताओं को हतोत्साहित कर आए हुए एक नए कार्यकर्ताओं को टिकट वितरण में संगठन के जिम्मेदारी में आगे बढ़ा रही है। आइए सीधे चलते हैं और भी लोगों के सुझावों को और जानने का प्रयास करेंगे क्या यह जो हुआ है वो सही हुआ है कि गलत हुआ है। वो गलत हुआ या सही हुआ है? गलत हुआ, बिल्कुल गलत हुआ, सही नहीं हुआ। तो उन्हें क्या करना चाहिए? वो तो आपके समर्थन की ओर बैठे हैं, आप लोग जो कहेंगे वही वो करेंगे, आपका क्या राय है? हमारी राय ये है इस पार्टी में रहना ही नहीं चाहिए इनको। जैसा कि आपको अवगत है कि जिला पंचायत सदस्य के लिए भाजपा ने आलू रोटी का टिकट नहीं दिया, उसमें आपका क्या कहना है? मुझे इस बात की बहुत दिक्कत है, मेरे बड़े भाई आलोक अग्निहोत्री की टिकट काट दी, एक बार नहीं तीन बार काटी गई, ना जिला कार्यकारिणी में उनका संगठन ने कोई सहयोग किया, ना ही जिला पंचायत सदस्य में संगठन दिया। कल से आए हुए सपा के लोगों को भाजपा टिकट दे रही है, कल से आए हुए लोगों जो 25 साल से मेहनत कर रहा है इतनी उसको टिकट काट दिया जाता है, ये क्या कारण है, क्या इसमें समस्या आ रही है? जो भारतीय जनता पार्टी कल से आए हुए सभी सपा के लोग जो दो दिन पहले जुड़े हुए आज टिकट फाइनल हो रही है उनकी जिला पंचायत सदस्य में, मैं इस बात से बहुत दिक्कत हो रही है और जितने भी समर्थक लोग हैं इनको कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी छोड़ने की, मैं बिल्कुल कसम खा रहा हूं, मैं पार्टी भारतीय जनता पार्टी अगर मेरे बड़े भाई चाहेंगे तो मैं बिल्कुल छोड़ दूंगा। मैं सुमित दीक्षित, सभासद प्रतिनिधि, नगर पंचायत कुसमरा। तो कहीं ना कि आप भी सुझाव ये देना चाह रहे हैं कि आलोक अग्निहोत्री जी को पार्टी से बिल्कुल मुंह मोड़ लेना चाहिए? बिल्कुल मुंह मोड़ लेना चाहिए, बिल्कुल। दादा मैं फिर कह रहा हूँ, एक बार नहीं तीन बार धोखा हुआ, एक बार नहीं, चलो एक बार हो जाए छोड़ दो, चलो पार्टी के ऊपर दो बार हो जाए दो बार छोड़ दो, यार तीन बार तो कोई नहीं छोड़ता है भाई, तीन बार हो चुका है मेरे बड़े भाई के पास धोखा। देखो हम ये नहीं कह रहे किसी पार्टी में शामिल हो, मैं एक जनता का सेवक हूँ और जनता मेरे साथ है। हम ये नहीं कह रहे कि बसपा ज्वाइन कर लो या कांग्रेस ज्वाइन कर लो या प्रसपा ज्वाइन कर लो, कोई पार्टी ज्वाइन मत करो, अगर हमारे साथ समर्थक हैं हमारे प्यारे बड़े भाई छोटे भाई बुजुर्ग भाई, मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ आपका समर्थन ऐसा ही बना रहे, मैं निर्दलीय प्रत्याशी मैं बड़े भाई को घोषित करता हूँ, अगर वे चुनाव लड़ना चाहे तो आज नहीं तो कल टिकट फाइनल होगी उनकी।
निर्दलीय प्रत्याशी अगर, और मेरा समर्थन, मेरे भगवान से इतनी प्रार्थना है कि इतना मेरे बड़े भाई ने इतना समर्थन, वार्ड नंबर एक जिला पंचायत सदस्य किसनी में इतना सहयोग मिला, इतना तो मैं भविष्य में कभी सोच भी नहीं सकता था, इतना सहयोग बाहरी समर्थक से आप लोगों के लिए बहुत बड़ी तालियां बजाता हूँ। वार्ड नंबर एक किसनी विधानसभा। यदि अन्य कोई पार्टी आपको ऑफर करती है कि आइए आपका स्वागत है, तो क्या वह स्वागत आपको स्वीकार करेंगे? नहीं नहीं, कोई सहयोग नहीं, नहीं किसी किसी पार्टी का नहीं चाहिए। मेरे बड़े भाई आदित्य पांडे और दीपू भाई ये किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं चाहते हैं, मेरे युवा समाज से भी, और इनके साथ इतना युवा है कि सोच नहीं सकते। 100% युवा मेरा कस्बा कुसमरा का, और हमेशा गरीबों की मदद करना और गरीबों का सहयोग करना, इससे बड़ा कोई समर्थन नहीं है। मुझे नहीं चाहिए कोई पार्टी, नहीं मैं कोई पार्टी चाहता हूँ, मैं अकेले अपना समर्थकों के साथ निर्दलीय ही सही, मैं जनता की सेवा करना चाहता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से आलोक अग्निहोत्री जी के समर्थकों में एक आक्रोश व्याप्त है कि भाजपा ने उनको टिकट नहीं दी। कहीं ना कहीं अभी ये मामला भी पेंडिंग हालात में है कि इसका भी सत्यापन कल ही हो पाएगा। तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे साथ।